हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हेयर वॉश की वीडियो तो हेयर वॉश हमने करवाया जशन को तो हेयर वॉश करवाने के लिए हमने डव कंडीशनर और शैम्पू का यूज़ किया है तो वीडियो हेल्पफुल लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स जशन घर पे जुड़ा ही करके रखता है तो हम उसकी सबसे पहले ब्रेड ओपन कर रहे हैं आज हम उसका हेयर वॉश करवाने के लिए डव शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसके बाल काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं क्योंकि उसे हेयर वॉश करवाए हुए हमें वन वीक हो चुका है वन वीक में फ्रेंड्स जशन एक बार ही हेयर वॉश करता है क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड हेल्थी है डव शैम्पू भी फ्रेंड्स बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी है आपके बालों में कोई शाइन नहीं है तो आप डव शैम्पू यूज़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हो उसके बाल कितने ज़्यादा लंबे हैं उसे हेयर वॉश करवाए हुए हमें वन वीक हो चुका था फ्रेंड्स हेयर वॉश के बाद मैं आपके साथ टावल ड्राॅइंग की भी वीडियो शेयर करूँगी तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम उसका हेयर वॉश करवा रहे हैं फ्रेंड्स आप जशन के बाल देख सकते हो कितने ज़्यादा लंबे हैं लंबे बालों की फ्रेंड्स हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है समर्स में तो हमें बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ती है क्योंकि हम समर्स में हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो स्वेटिंग के कारण फ्रेंड्स हमारे बालों में काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है तो हमें वीक में दो बार हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए बट जशन के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और घने हैं तो हम उसका हेयर वॉश एक ही बार करवाते हैं वीक में तो आप देख सकते हो हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है बालों में शैम्पू के बाद फ्रेंड्स आपको कंडीशनर भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए कंडीशनर लगाना हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशनर से फ्रेंड्स आपके जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है आपके बालों में टैंगल्स काफ़ी ज़्यादा कम पड़ती हैं आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं तो आप देख सकते हो आ, हम पहले उसका हेयर वॉश करवा रहे हैं उसके बाद फ्रेंड्स हम उसके बालों में कंडीशनर यूज़ करेंगे तो हल्के हाथों से हमने पहले उसके बालों में अच्छे से मसाज किए हेयर वॉश के बाद फ्रेंड्स आपको बालों में जो भी कंडीशनर होता है जो शैम्पू होता है उसे अच्छे से निकालना होता है अगर आपके बालों में थोड़ा सा कंडीशनर जो शैम्पू रह जाता है तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स उनमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं तो इसी कारण आपको अच्छे से अपने बालों में शैम्पू निकालना है तो आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे पानी डालकर जश्न के जो हेयर पे शैम्पू है वो हम निकाल रहे हैं और फ्रेंड्स दूसरी बार हम फिर उसके बालों में शैम्पू लगाएंगे क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं फ्रेंड्स हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने बालों से अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर को नहीं निकालते अगर आप अपने बालों से अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर को नहीं निकालेंगे तो आपका हेयर फॉल एक्स्ट्रा होगा तो इसी कारण फ्रेंड्स आपको अच्छे से अपने बालों से कंडीशनर और शैम्पू को निकालना चाहिए तो हम दूसरी बार उसके बालों में शैम्पू लगाएंगे क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स आप देख सकते हो गंदे थे एंड समर्स में तो हमें अपने बालों का एक्स्ट्रा केयर करनी ही पड़ती है क्योंकि हमें समर्स में स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है स्वेटिंग के कारण फ्रेंड्स हमारे बालों में काफ़ी ज़रा बदबू आने लगती है तो इसी कारण आपको वीक में दो बार हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है जो भी आपको शैम्पू सूट करता हो आप वो वाला शैम्पू यूज़ कर सकती हैं ये डव कंडीशनर और शैम्पू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बना देता है अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी रहती है आपके बालों में कोई शाइन नहीं है तो आप डव का शैम्पू यूज़ कर सकती हैं शैम्पू के बाद आपको कंडीशनर भी ज़रूर लगाना है उसके अलावा फ्रेंड्स आपको अपने बालों को सुखाने के लिए कोई भी हीटिंग टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए आप कोई भी हेयर ड्रायर यूज़ ना करें अपने बालों को सुखाने के लिए तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपने बालों पे अच्छे से मसाज करनी है जो भी आपको शैम्पू सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकती हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जशन का हेयर वॉश हो चुका है अब उसके बालों में जो भी शैम्पू है वो हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे करके अपने बालों में जो भी शैम्पू है वो अच्छे से निकालना है क्योंकि थोड़ा सा भी आपके बालों में शैम्पू अगर रह जाएगा तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके जो बाल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हम धीरे धीरे पानी डालकर जशन के बालों में जो भी शैम्पू है वो निकाल रही हैं शैम्पू के बाद फ्रेंड्स आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो हम डव का ही कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं कंडीशनर के बाद फ्रेंड्स अगर आपके बाल सूख जाते हैं उसके बाद आप सिरम भी यूज़ कर सकते हैं सिरम भी बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बालों को, को सॉफ्ट और शाइनी बना देता है सिरम तो आप देख सकते हो जशन के बालों में जो भी शैम्पू था वो हमने अच्छे से निकाल लिया और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डव का कंडीशनर यूज़ करेंगे फ्रेंड्स कंडीशनर को कभी भी आपको अपनी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता जस्ट आप अपने बालों की लेंथ पे ही कंडीशनर को अप्लाई करें इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे आपके बालों में काफ़ी ज़रा शाइन आ जाएगी फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं कि कंडीशनर को अपनी स्कैल पे अप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही गलत बात है इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली से हो जाएंगे आपको कंडीशनर को कभी भी अपनी स्कैल पे अप्लाई नहीं करना चाहिए आप देख सकते हो हम जशन की बालों की लेंथ पर ही की कंडिशनर अप्लाई कर रहे हैं कंडीशनर लगाने के बाद फ्रेंड्स दो मिनट तक आपको अपने बालों पर रखना है उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए फ्रेंड्स आपके बालों में बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपका फॉल स्टार्ट हो जाएगा आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ी हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जशन का हेयर वॉश हो चुका है तो अब हम उसकी टॉवल ड्राइंग करेंगे फ्रेंड्स आपको अपने बालों को सुखाने के लिए कोई भी हीटिंग टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप कोई हीटिंग टूल का यूज़ करेंगे जैसे हेयर ड्रायर का तो आपके बाल इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हो जाएंगे आपके बाल इससे काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगेंगे तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपने बालों को सुखाना चाहिए कभी भी आप कोई हेयर ड्रायर का यूज़ मत कीजिए तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय